प्रिय दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन भगवान सिद्धि विनायक श्री गणेश जी को समर्पित है। आपका स्वागत है विक्रम सिंह तोमर के चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको काम की वजह से तनाव रह सकता है, आप ज्यादा सोच सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। आज आप क्रोध करने से बचें और संयम बनाए रखें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। आज का पंचांग 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 7:10 तक रहेगी। ऐसे में योगिनी एकादशी व्रत का पारण सुबह 7:10 से पहले कर लिया जाएगा। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 2:11 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। इससे आपको और लोगों को मन की स्थिति समझने में भी मदद मिलेगी। अगर अपनी मनपसंद जगह जाना है तो योजना बनाने के समय सबसे आगे रहे, किसी से बहस करने से बचें और परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। घर में आपके बेवजह कलह हो सकती है, इसलिए शांत मन से काम करें। माता पिता के साथ भी अच्छा समय निकालने की कोशिश करें। काम में अपने प्रयास जारी रखें और आप समस्या में ही समाधान ढूंढ पाएंगे। दुश्मनों की बातों को अनदेखा करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके शुभ चिंतक हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए आज के दिन उपयुक्त है और यह मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने और परिवार व गतिशील दुनिया के बीच में संतुलन बनाने से संभव होगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आराम करें। बुरे लोगों के विचारों को अपने मन में जगह मत दो। अपना दिमाग इस्तेमाल करें और अपने विचारों से उनके दिमाग में जगह बनाओ। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश ना करें। शाम को दोस्तों के साथ घूमे फिरे क्योंकि यह आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक कार्य अपनी लाइफस्टाइल में नया सामंजस्य बिठाते हुए नजर आएंगे। आप अपने लिए आधुनिक डिजाइन के कपड़े किसी शॉपिंग मॉल से खरीद सकते हैं। इसमें आपका धन भी बहुत अधिक खर्च हो सकता है। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग ना मिलने के कारण आप निराश हो सकते हैं। किसी समारोह अथवा मीटिंग आदि में जाने का मौका मिले तो तुरंत जाएं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात लाभदायक रहेगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह कुछ सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक उलझा हुआ मामला सुलझ जाएगा। स्वभाव की नकारात्मकता को दूर करते हुए जो बातें आपको प्रगति की ओर ले जाती हैं, केवल उन पर ध्यान देने की जरूरत है। दिन के अंत तक किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने से तनाव दूर होगा।
जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आर्थिक पक्ष में बड़ा बदलाव आएगा। काम से संबंधित गतिविधियों को सुधारना होगा। यदि आज आपको आपके किसी सगे संबंधी से मिलने का मौका मिले तो आप उससे चुके ना, उनसे मिलने के लिए अवश्य जाएं। यदि आपने अपने घर में कोई पालतू जानवर पाल रखा है तो आपको उस जानवर के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, जिसमें आप बहुत अधिक आनंद महसूस करेंगे। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहना होगा। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने कामों में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति सावधान रहना होगा। पब्लिक डीलिंग करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना नुकसान दे सकता है। घर की अव्यवस्था के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। कुछ समय उनके साथ व्यतीत करना जरूरी है। यदि आज आपको आपके किसी सगे संबंधी से मिलने का मौका मिले तो आप उससे चुके ना, उनसे मिलने के लिए अवश्य जाएं। लव लाइफ की बात करते हैं। पारिवारिक लोगों के सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके स्वभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी। आपकी रुचि अध्यात्म में बढ़ेगी और कई खास लोगों से आपकी जान पहचान भी बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेगी। आप यह भी आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी जिस रास्ते पर फिलहाल है, आप उससे खुश हैं या नहीं। ससुराल वालों की तरफ से कोई खबर भी आपको आज मिलेगी। अपने अहंकार को दूर रखकर परेशानियों का सामना करना सच्चे साथी की निशानी है। आपके लिए सफलता आपके परिवार से जुड़ी हुई है, जिसके लिए आपको खुद के आराम और अपने परिजनों की देखभाल के बीच में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आज आप पर रोमांस का खुमार इस तरह से छाएगा कि आप दुनिया भी भूल जाएंगे। कोई भी नई शुरुआत के लिए भी आज के दिन बेहतरीन है। बात करते हैं करियर की कीटनाशक दवाइयों का कार्य करने वाले जातकों को। आज किसानों की मांग को देखते हुए कमाई की आसार नजर आ रहे हैं। आपकी दवाइयां उचित रेटों पर बिक सकती हैं, परंतु आप किसी प्रकार का दो नंबर का काम ना करें। कुंभ राशि वाले व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए बुधवार का दिन अच्छा रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा और व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। धातु और लोहे से संबंधित कार्यों में कोई नई सप्लाई के लिए ऑर्डर मिल सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े कामों में तेजी की स्थिति रहेगी। भूमि संपत्ति से संबंधित किसी सौदे में धोखा हो सकता है, सावधान रहें। आज आप में अपने कार्य के प्रति लगन रहेगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। इस राशि के नौकरी पेशा जातकों का काम आज सुचारू रूप से चलता रहेगा। अभी आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और परिजनों की सलाह से आप आज हार को भी जीत में बदल लेंगे। आज मनोरंजन और आराम की भी संभावना है। संबंध और साझेदारी अब आपको आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है कि जीवन के इस चरण में आपको वह ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन आपका भविष्य शानदार है।
अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या का सामना करें। याद रखिए, चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। अचानक लाभ के योग बनेंगे और जमीन संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक परेशानियां दूर होगी और विवादों में सफलता प्राप्त होगी। शाम से पुनः कार्यों में गति आने के आसार हैं। शुभ समाचार भी आज मिल सकता है। सेहत की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। हृदय रोगी अपनी दवा एवं परहेज संबंधी कोई लापरवाही ना करें। आज वजन कम करने के लिए अपने डाइट की योजना बनाने और व्यायाम का संकल्प, एक्सरसाइज का संकल्प लेने का अच्छा समय है। परंतु यदि आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप मीठा खाने से बचे, अन्यथा आपकी शुगर बढ़ सकती है और आपको परेशानी हो सकती है। आप आंखों से संबंधित किसी रोग से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से आंखों के डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाएं। आज का उपाय गरीबों को आजान पूर्ण करें, बहुत शुभ रहेगा। व्यावसायिक स्थिरता के लिए 7 बुधवार तक गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूले। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।